नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल रियल इन्फॉर्मेशन विराट किसान में। मैं हूं राम सिंह। अगर आप भी बरसात के मौसम में अगेती मूली की खेती करना चाहते हैं तो खेत की तैयारी करना शुरू कर दीजिए। आज है 10 सितंबर। 10 सितंबर यानी हम 20 अक्टूबर को इस खेत में राउंड अप लगा दिए हैं। ये हमारा खेत जो है 15 बिस्सा यानी आधा एकड़ से एक बिस्सा कम है। और ये देखिए सब घास जल चुकी है जिसमें हम राउंड अप लगा दिए थे। अब आज हम 10 सितंबर को इसकी मूली की खेत की जुताई करने जा रहे हैं। ये सब घास जल चुकी है बढ़िया एकदम, राउंड अप लगा दिए थे एकदम, घास का नामो निशान कहीं नहीं है। जुताई करवाएंगे मिट्टी पलटने वाले हर से, इसको हैरो कहा जाता है, बारह तावा कहा जाता है। देखिए सब भांग उखाड़ के भाग लिए हैं, अब जुताई होने जा रही है। देखिए हैरो से जुताई हो रही है, हैरो से दो बांह जुताई की जाती है। ये भेड़िया हो रही है अभी, देखिए इस साइड से दक्षिण साइड से उत्तर साइड हो रही है, अब पूरब से पश्चिम फिर होगी। अभी मट्टी थोड़ा नरम है, देखते हैं, अगर मट्टी नरम मानेगी तो एक दो घंटा छोड़ देंगे हर करने के लिए। जब मट्टी थोड़ा सा भुरभुरी टाइप हो जाएगी उसके बाद तब फिर दोबारा जुताई होगी। पहला राउंड चल रहा है, दोबारा राउंड होगा तब आपको दिखाएंगे। अभी उत्तर से दक्षिण जुताई हो रही है, अब पूरे से पश्चिम हो रही है, इसको आपको दिखाएंगे। देखिए अब एक राउंड की जुताई लगभग समाप्त हो चुकी है, अब दूसरे राउंड की जुताई होने जा रही है। देखिए किसान भाइयों, दूसरे राउंड की जुताई चालू हो गई है, अब पूरे से पश्चिम की साइड जुताई हो रही है। फिर आपको दिखा देते हैं, अब देखिए किसान भाइयों, खेत को जोते हुए 4 घंटा हो गया है, हैरो किए हुए 4 घंटा हो गया है। अब इसको 2 राउंड कल्टीवेटर या नौफरवा से जोताई कराएंगे। नौफरवा से जुताई करने के लिए हम खेत पे आ गए हैं। देखिए ट्रैक्टर वहाँ आ रहा है,
और ये देखिए, हम किसान भाइयों एक बात का हमेशा ध्यान दीजिए, आपका बरसात में मूली की खेती करने के लिए खेत ऐसा हो कि पानी बरसे, जैसे बरसे उसके बाद निकल जाए। देखिए हम ऊंच, यहाँ ये ऊंच स्थान है, यहाँ देखिए खाल है, यहाँ जो पानी लगा है ये खाल है, यहाँ पानी निचूर के चला जाता है, यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ता। और देखिए यहाँ ट्रैक्टर हमारा आ चुका है नौफरवा या कल्टीवेटर लेके, अब इससे हमारे खेत की जुताई होगी। देखिए जोतना स्टार्ट कर दिया है, इसको दो राउंड जुताई करवा के आगे का कार्य आगे देखिए किसान भाइयों, तब तक वीडियो में बने रहिए। देखिए किसान भाइयों, इसमें हम हेंगा या पाटा जिसे कहते हैं उसको नहीं गिराए हैं, क्योंकि अभी हमें मट्टी को सुखाना है, क्योंकि अभी कल परसों बारिश हुई है इसलिए मट्टी अभी गीली है, तो हम पाटा या हेंगा को नहीं गिराएंगे, ऐसे इसकी जुताई कर रहे हैं खेत, ताकि सूखे, मिट्टी घाम हुआ है इस समय और सूख के मिट्टी सही होगी। देखिए जुताई चल रही है, ये दूसरा ट्रैक्टर है, फार्म ट्रैक 45 है, उसी से जुताई हो रही है, गहरी जुताई कर रहे हैं, खूब गहरी, जितनी गहरी हो सके उतनी गहरी मूली के खेत के लिए जुताई हो जाए तो बेहतर रहता, क्योंकि मूली लंबी पड़ती है, जितना मिट्टी भुरभुरी रहेगी उतना ही लंबी पड़ती है मूली, और बलुई दोमट मिट्टी में मूली सही होती है, तो इसलिए जब भी चयन करें लगभग मिट्टी, किसी भी मिट्टी में तो मूली हो सकती है, लेकिन पानी ना लगने वाली मिट्टी हो, जल निकास की अच्छी व्यवस्था हो, ऐसी मिट्टी का चयन करिएगा किसान भाइयों। और अब देखिए एक राउंड की जुताई चल रही है, दूसरे राउंड की जुताई अभी होगी, अब एक राउंड की जुताई समाप्त होने वाली है, दूसरे राउंड की जुताई अब चालू होगी, अभी एक राउंड चल रही है, गहरी जुताई हो रही है। ये देखिए ये भिंडी का खेत हमारा है, इसके बारे में हम वीडियो बनाएंगे। ये देखिए 50 बीसा भिंडी लगी हुई है, जो इस समय फर रही है, निकल रही है, इसके बारे में वीडियो हम बनाएंगे। देखिए अब दूसरे राउंड की जुताई हो रही है, दूसरा राउंड जुताई करके इसके बाद हम उसमें रोटावेटर चलाएंगे। कल्टीवेटर दूसरा राउंड हो जाएगा, उसके बाद रोटावेटर करके उसमें मेड़ या जिसे बेड कहते हैं उसको बनाएंगे, उसी पे हम उसकी बुआई मूली की करेंगे। तो चलिए किसान भाइयों आगे का कार्य आगे देखिए। अब देखिए किसान भाइयों, एक दिन हो गया खेत को जोते हुए और धूप अच्छी हुई थी, इसलिए मिट्टी देखिए सूख गई है, इसको एक दिन बाद इसको रोटावेटर से जुताई कराएंगे। देखिए इसमें ढीला लग रहा दिख रहा है बड़ा बड़ा, इसको हम रोटावेटर से जुताई करवाएंगे, और देखिए एक राउंड में सही हो जाता है या दो राउंड इसको भी करवाना पड़ता है, इसे गीली है, एक राउंड में सही नहीं होगा तो दो राउंड करना पड़ेगा। देखिए पूरा खेत है हमारा और इसमें मूली आज बोई जाएगी, लेकिन अभी तो रोटावेटर होने जा रहा है। ये देखिए बादल, काफी बरसात का मौसम है, बादल देखिए इतना बादल हो रहा है, इसलिए इसको की संभावना है, लेकिन फिर भी हम रिस्क लेके बोएंगे, आगे क्या होगा कैसे देखिए हम आपको बताएंगे। ट्रैक्टर देखिए आ चुका है खेत में रोटावेटर लेके, अब इसको जो
व्यस्तता ये भी होगी। देखिए ट्रैक्टर चालू करके चालू हो रहा है, रोटावेटर से 1 किलो में जोताई करवाएंगे, क्योंकि 1 किलो में ज्यादा मिट्टी को छोड़ता है। रहा उतना, दो राउंड करवाना पड़ रहा। देखिए इस साइड ये खड़िया जोताई हो रही है, अभी ये पेड़िया जोताई कराएंगे। देखिए किसान भाइयों, 1 राउंड रोटावेटर हो चुका है, उसके बाद अब इसमें हम कुछ खाद डालेंगे। अभी हम रासायनिक बीज से खेती करते हैं, तो DAP और यूरिया पोटाश डाल के बुआई करेंगे। अब ये देखिए हमारा 15-20 खेत है, इसमें हम 15 किलो यूरिया डाल रहे हैं, और 15 किलो यूरिया, 15 किलो डाई, 15 किलो यूरिया, और इसमें 12 किलो हम पोटाश मिला रहे हैं, और इसको आपस में मिक्स करके हम खेत में बिखेर के 1 राउंड और रोटावेटर चलाएंगे। वैसे आप पहले ही राउंड पे डाल सकते हैं, अगर आपका खेत भुरभुरा होने की संभावना हो तो आप पहले ही राउंड से पहले कल्टीवेटर के बाद आप सभी खाद को मिक्सर करके खेत में बिखेर के उसके बाद रोटावेटर चला दीजिए। रोटावेटर चलाने के बाद आगे का कार्य आगे देखिए। देखिए खेत में खाद बिखेरी जा रही है, खेत में खाद बिखेरने के बाद 1 राउंड और रोटावेटर इसमें चलाया जाएगा। देखिए क्योंकि इसमें अभी ढीला है, बड़ा ढीला जब रहेगा तो सही से निकलेगा नहीं। वैसे भी बारिश का मौसम है, मिट्टी थोड़ा सा भी बारिश हो जाएगा तो मिट्टी बैठ जाती है, इसलिए भुरभुरी मिट्टी रहेगी तो मूली को निकलने में आसानी होगी। देखिए दूसरे राउंड की जुताई चालू हो गई, इधर खाद छीट रहे हैं इधर से। ये दूसरे राउंड की जुताई अब दक्षिण साइड, दक्षिण से होगी। अब तक पूरब से पश्चिम की साइड हो रही थी, अब उत्तर से दक्षिण की साइड होगी। 2 राउंड
वैसे किसान भाइयों, आपको हम बता दिए पहले भी कि आप एक ही राउंड अगर आपका खेत भुरभुरी मिट्टी एक ही बार में हो जाती है तो एक ही राउंड में बोइएगा, क्योंकि ऐसे जोताई महंगी हो चुकी है। यदि आप एक ही राउंड में अगर कार्य होने लायक है तो ठीक है, अगर नहीं हो सकता तो दो राउंड करवाएंगे तो मिट्टी भुरभुरी रहेगी तो मूली अच्छी जामेगी और सोर भी बढ़िया चलेगी। और एक बात और किसान भाइयों, इसमें हम 1 किलो बिस्सा के हिसाब से यूरिया डाई का प्रयोग किए हैं। और आप आपका अगर खेत हल्का है, हल्का का मतलब जैसे फसल पीली होती है, या यहाँ देखिए हमारे आसपास खेत जो है बढ़िया है, भिंडी लगी हुई है, इधर धान अच्छा लगा हुआ है, ये सब फसल अच्छी है, तो ये खेत जो है उपजाऊ है, बढ़िया है, तो इसमें हम इसलिए 1 किलो के रेशियो से डाल रहे हैं। और अगर एक चीज़ हम आपको और बताना चाहेंगे किसान भाइयों, कि अगर आपको बिस्सा नहीं समझ में आता है तो हम आपको एक बात बता देते हैं कि 99 इंची जो इंची टेप होता है उसमें 99 इंची का एक कट्ठा होता है। अगर आप एक कट्ठा चौड़ा और 20 कट्ठा लंबा नापते हैं, 20 कट्ठा लंबाई और 1 कट्ठा चौड़ाई, तो एक बिस्सा होता है। तो ऐसे आप नाप के आप निकाल लीजिए, 32 बिस्सा में 1 एकड़ होता है, यही रेशियो है। तो हम एकड़ के हिसाब से नहीं खेती के बारे में बता रहे हैं, क्योंकि मूली की खेती लगभग 1 एकड़ करना असंभव हो जाता है, उसकी धोवाई बहुत कठिन है। तो आप 15 बिस्सा, 1 बीघा, 10 बिस्सा, 12-20 बिस्सा ऐसे लगा के आप करिए खेती। तो जो बिस्से में अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो हम आपको इंची टेप से नापने की विधि बता दिए हैं। जैसे क्या बोलते हैं, इंची टेप जो जो राजमिस्त्री जिसे चुनाई काम करते हैं उसको आप लीजिए और उसमें देखिए 99 इंच होगा, 99 इंच का 1 कट्ठा होता है। और 99 इंच का 1 कट्ठा होता है, उस कट्ठे एक बांस की लकड़ डंडे का 99 इंच का काट लीजिए और 1 कट्ठा चौड़ा और 20 कट्ठा लंबा नापिए तो वो 1 बिस्सा हो जाएगा। वैसे ही अगर आप 4 कट्ठा चौड़ा और 5 कट्ठा लंबा ले लेते हैं तो भी वो 1 बिस्सा हो जाएगा। इसी तरह आप अपना मैनेज करके आप खाद का प्रयोग कर सकते हैं। और वैसे इसमें मूली हम छिड़काव विधि से नहीं बोएंगे, इसलिए हम मूली की मात्रा नहीं बता रहे हैं। मूली की मात्रा इसमें जो मेड़ पे बोई जाएगी तो मेड़ के हिसाब से और उसकी जो बोने का तरीका है, मान लीजिए 2 इंच के आसपास लगभग बोया जाएगा। और बेड जब जितने दूर पे बनेगा हम उसको आपको दिखाएंगे अभी इंची टेप से नाप के। तो चलिए, यहाँ खाद साथ में छींटी जा रही और रोटावेटर दूसरा राउंड चल रहा है। अब इसके बाद जुताई होने के बाद अब हम जो बेड बनाएंगे उसको कैसे बनाएंगे वो अभी आपको दिखाते हैं। चलिए देखिए किसान भाइयों, बेड बन चुका है, सॉरी बेड नहीं, 2 राउंड रोटावेटर हो गया, मिट्टी एकदम भुरभुरी हो गई है और ट्रैक्टर आ गया है, अब बेड बनाया जाएगा। अब देखिए इसी से बेड बनाया जा रहा है, जो गन्ना बोया जाता है वही वाला यंत्र है, उसी से हम बेड बनवा रहे हैं। आप जाइए तो मजदूर से वैसे बहुत महंगा पड़ जाएगा, या आलू बोने वाले से या इससे पेट बनवाइए तो सही रहेगा। देखिए ट्रैक्टर आ रहा है, अब यहाँ से शुरू होगा, तो ये पेट बना रहा है। देखिए इसी पेट पे हम मूली की बुआई करवाएंगे। देखिए
बेड बन रहा है। ऐसे पूरा खेत का बेड हम बनवा के इसी पे मजदूरों की सहायता से हम मूली की बुवाई करेंगे। बेड बनाया जा रहा है। बेड बनाने के बाद अब इसकी हम बुवाई करेंगे। और देखिए बेड का दूसरा राउंड बनाया जा रहा है। एक बार में दो मूर बना रहा है बेड। बुवाई करेंगे, आगे हम आपको दिखाते हैं कैसे इसकी बुवाई की जाए। ये देखिए हमारा बेड अब बन रहा है, बन के कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बुआई करेंगे। आगे का कार्य आगे देखिए किसान भाइयों। देखिए किसान भाइयों, हमारा मेड़ बनकर तैयार है। अब इसमें हम मूली के बीज की बुआई करवाएंगे। अब मूली के बीज की बुआई अब करवाएंगे और जो हम बीज सेलेक्ट किए हैं आपको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए नोबल सीड्स का है। हम 1 kg बीज ले आए हैं। देखिए 10 पैकेट बीज ले आए हैं। ये देखिए ये 10 पैकेट बीज है, 100-100 ग्राम का है। बीज के बारे में आपको बता दें, इसमें देखिए 5 पैकेट जो आधा किलो जो बीज है NBH मास्टर है, F1 हाइब्रिड मूली है। और देखिए एक एक ये 2, 3, 4, 5 ये 5 मास्टर है, मास्टर मूली। और एक ये है पाली, 1, 2, 3, 4, 5 ये पाली है। इन्हीं 2 वैरायटियों का हम चयन किए हैं। और ये हाइब्रिड मूली है, रिसर्च नहीं है। ये लंबी काफ़ी है, अच्छी। और इसमें जो सफाई बहुत अच्छी आती है, हाइब्रिड है ना, हाइब्रिड होने की वजह से अच्छी मूली पड़ेगी ये। इसका ये बीज थोड़ा महंगा मिलता है किसान भाइयों। वैसे तो इसका जो है देखिए इस पे 100 ग्राम का मूल्य 234 रुपया लिखे हैं। और देख लीजिए इसके बारे में लेबल नंबर, रेडी CF1 हाइब्रिड ब्राइटी NBH पाली करके है, पढ़ लीजिए। बेड से बेड की कितनी दूरी है, देखिए किसान भाइयों ये तो दिख रहा होगा। ये बेड से बेड की दूरी 2 फुट है, 2 फुट है। वैसे आप किसी ऐसे यंत्र से बेड बनवाएं, अगर थोड़ा सा और नज़दीक हो जाए तो कोई बात नहीं है, लेकिन इससे नज़दीक हमारे पास यंत्र नहीं था, इसलिए हम इसी को बनवाए हैं। इसलिए हम एक बेड पे 2 पंक्ति की बुआई करवा रहे हैं। और देखिए सब बेड तैयार है। अब मूली बीज आ गई है, 1 kg हाइब्रिड मूली की बुआई करा रहे हैं। रिसर्च वाली जो होती है 300-280 ऐसे करके मिल जाती है, ये कम से कम 1500-1400 रुपया kg है। आप जैसे जहाँ जिस राज्य में जो हिसाब से मिल जाए उस हिसाब से ले लीजिएगा किसान भाइयों। लेकिन हाइब्रिड मूली करवाइए एक बार एकदम, उसके बाद रेट तो थोड़ा महंगा है लेकिन मान के चलिए मूली बहुत अच्छी पड़ती है। और अब हम आपको की बुझाई मजदूर के द्वारा कराएंगे, अभी आपको हम आगे चल के दिखाते हैं।
पाप हो जाए, है ना? यहाँ का रियल है वो, वो भी आ जाए। किसान भाइयों, आज हमारे मूली की खेत की बुआई समाप्त हो चुकी है, जो कि हम मूली की बुआई बेड पे किए हैं। बेड पे करने की वजह से 2 दिन हमको समय लगा और हम 10 तारीख को खेत की जुताई किए थे, आपको बताए थे, और अब आज हो गया 10, 11, 14 सितंबर हो गया। 14 सितंबर को हम बुआई इसकी समाप्त कर चुके हैं। अभी देखिए, वैसे बारिश का मौसम है, देखिए काफ़ी बादल लगा, हवा तेज़ से चल रही है, इतना तेज़ हवा चल रही है लगता है बारिश हो जाएगी, और इसीलिए हम इसकी मेड़ पे बुआई किए हैं, क्योंकि अभी काफ़ी बारिश हो सकती है। ये दो नखत बहुत तेज़ बरसता है, हथिया और उत्तरा जो है, उत्तरा पूर्वा, ये उत्तरा और हथिया नक्षत्र जो है काफ़ी बारिश करता है। इसमें अगर हम मेड़ पे नहीं बुआई करते तो मूली हमारी पानी लगने की वजह से कभी कभी सूख जाती है हथिया नक्षत्र में। इसलिए किसान भाई, आपसे भी हम कहेंगे कि मेड़ पे बुआई करिए, थोड़ा समय तो लगता है लेकिन सफल खेती है मेड़ पे। तो इसमें हमारा जो 15-20 मूली की बुआई किए थे, आपको खाद से लेके जुताई से लेके राउंडअप से लेके सारी जानकारी आपको हम बता दिए हैं, और बीज 1 kg लिए थे हाइब्रिड, जो नोबल सीड्स का था, और एक जो 500 ग्राम बीज इसमें और लगा जो एग्रो सीड्स का सुब्रा 32 है, इसी की बुआई किसान भाइयों हम किए हैं। और किसान भाइयों, वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, और ऐसी ही जानकारी आगे चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तब तक मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।